इस वीडियो में हम समझेंगे मॉलिक्यूलर मास और मोल कॉन्सेप्ट मान लीजिए कि एक H2O मॉलिक्यूल है इस मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास एक यूनिट है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 यूनिट है अब अगर सभी एटम्स का एटॉमिक मास कैलकुलेट करें तो 18 यूनिट मास होगा इसी टोटल मास को हम मोलिक्यूल का मोलिक्यूलर मास कहते हैं मोलिक्यूलर मास को हम कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं द मोलेक्र मास ऑफ सब्सटेंस इज द एटोम्स इन मोलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस मोल कॉन्सेप्ट जैसा कि हम जानते हैं कि डिफरेंट क्वांटिटी को मेजर करने के लिए डिफरेंट पैरामीटर यूज होते हैं जैसे लेंथ के लिए मीटर मास के लिए किलोग्राम टेम्परेचर के लिए केल्विन। सिमिलरली मोल एक मेजरमेंट यूनिट है जो किसी सब्सटेंस में एटम्स के नंबर्स को मेजर करती है जैसा कि हम जानते हैं कि एक दर्जन में 12 यूनिट होती है जो कि हर ऑब्जेक्ट के लिए फिक्स होती है सिमिलरली एक मोल में रोन टू दी पावर ट्वेंटी थ्री स्पेसिफाइड ये नंबर एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जिसे नंबर भी कहते हैं। नंबर के अलावा मोल में एक और एडवांटेज है जो कि डजन में नहीं है किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस का एक मोल उसके ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होता है एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यूनिट हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास एक ग्राम एक ग्राम हाइड्रोजन एक मोल हाइड्रोजन एटम्स के बराबर होंगे जो कि 6.022 पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन ट्वेंटी थ्री एटम्स होते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें तो मिलते हैं नेक्स्ट